गुजरात का पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में आ गया है। 182 सीट में से जो पहला रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या जो एग्जिट पोल के अनुमान थे उसी तरफ इशारा ये पहला रुझान करता है। अक्सर ये माना जाता है कि हालांकि कल बीते दिन का जो अनुभव सबका रहा है एमसीडी का, उतार चढ़ाव देखते हुए अंत में मामला ऐसा पलटा कि आम आदमी पार्टी ने बढ़त हासिल कर ही ली, सेंचुरी पार, लेकिन बीजेपी चली गई। अब गुजरात में जब आप देख रहे हैं तो पहला रुझान ये साफ संकेत देता हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे चल रही है। वहीं हिमाचल में अब देखना होगा कि क्या कहते हैं शुरुआती रुझान। शुरुआती रुझान इसलिए भी दिलचस्प होते हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट में सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग, जो इलेक्शन ड्यूटी पे रहते हैं, वो लोग अपना वोट डालते हैं और हमेशा माना जाता है कि वो बीजेपी के ही पक्ष में ज्यादातर आता है। इसलिए विपक्षी पार्टियां इस तरह से भी इसे देखेंगी कि पोस्टल बैलेट में तो उनको एज मिलता ही है, लेकिन फिर भी अभी जो पहला रुझान है गुजरात का वो जाता हुआ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। राजीव जेटली, आपका छोटा सा इस पर रिएक्शन। नहीं, पहला हो या अंतिम हो, देखिएगा रुझान सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाले हैं। कोई वजह नहीं है किसी भी वजहों से कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी का चुनाव हो। आपने कल भी देखा दिल्ली के अंदर जो भी निर्णय आया, जो भी परिणाम आया, लेकिन इस तरीके की प्रेडिक्शन नहीं की गई थी, एग्जिट पोल में नहीं थी, ओपिनियन पोल में नहीं थी। उसके बावजूद अगर इस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं तो आप सोचिए, जो आप बार बार ये कांटे की टक्कर दिखाते हैं ना हिमाचल में, गुजरात पे तो चर्चा भी नहीं बनती है कि हमारी किसकी हार और किसकी जीत होगी। सबको मालूम है कि एक तरफा जीत है। और जो गुजरात हिमाचल के अंदर भी ये कांटे की टक्कर बताई जा रही है, आप देखिएगा लगभग 12 बजे तक एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी। सुबह से तो आप लोग मेयर ही बनवा रहे थे। फिलहाल बड़ी खबर आपको दे दें, गुजरात में पहला रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। 182 में से एक सीट का रुझान सामने आया है, लेकिन पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में। अब बीजेपी यही कहेगी कि जब आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। एग्जिट पोल के आंकड़े भी फिलहाल यही इसी ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के दावे प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में बनने जा रही है सरकार। 182 सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है। गुजरात में पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता रुझानों में खोल लिया है, लेकिन पोस्टल बैलेट है ये, और इंतजार करना होगा जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी, उसके बाद तस्वीर क्या रहती है। संजय जी, जल्दी से एक आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी। देखिए, पिछले बार के मुकाबले, 2017 के मुकाबले, इस बार का अगर हम आंकड़ा देखें तो 5% कम मतदान हुआ है। पिछले 5 चुनावों में से 3 बार ऐसा हुआ जब कम वोटिंग हुई तो कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ, लेकिन इस बार कम मतदान के बावजूद कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीदें नजर नहीं आ रही हैं गुजरात के भीतर, और पहला रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये क्या बताता है? चित्रा जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, टर्नआउट का इलेक्टोरल आउटकम से कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है। आपने 3 बार का जिक्र किया गुजरात में, लेकिन अगर आप गुजरात के 5-7 चुनावों को देखें तो टर्नआउट घटा बढ़ा और बीजेपी लगातार चुनाव जीत के आ रही है। इसके पहले भी हमारे पास ऐसे कई और एग्जाम्पल हैं, चाहे बंगाल का एग्जाम्पल ले लें, त्रिपुरा ले लें, सिक्किम ले लें, और ऐसे कई राज्य हैं जहां टर्नआउट के घटने और बढ़ने से इलेक्टोरल आउटकम का पर कोई असर नहीं। राजीव जेटली की ओर से दावा किया जा रहा है कि गुजरात के बारे में चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, वहां पर तो प्रचंड जीत हमको मिलनी ही है। नहीं, अगर किसी पार्टी को जीत मिल रही है तो उसके बारे में चर्चा ना की जाए तो मुझे लगता है ये तो दर्शकों के साथ अन्याय होगा। जीत किस लिए हुई, किस वजह से पार्टी को इतना बड़ा जनादेश मिला, कम से कम इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। और ये आम आदमी पार्टी का जो बीच में हम दिखा रहे हैं, अभी आंकड़ा खुला नहीं है, लेकिन आपको लेकर सबसे ज्यादा कौतूहल इस वक्त गुजरात में देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी इस बात से खुश हो सकती है कि कांग्रेस का वोट कारकर वो बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनवा सकती है, लेकिन आगे आने वाले वक्त के लिए जैसे वो एमसीडी में बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन गई, वैसे गुजरात में भी बन सकती है अगर कांग्रेस पार्टी वहां पर कमजोर होती है तो। चित्रा जी, इस चुनाव में तो दिखाई नहीं पड़ता, इन चुनाव में तो कम से कम मुझे लगता है 12-14% वोट का आंकलन है और 2-4-5 सीटें आ सकती हैं उनको। संजय जी, आज भी आप टिके हुए हैं, वही सिंगल डिजिट नंबर आप आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं गुजरात में? बिल्कुल अंजना जी, टिका हुआ हूं। एक और रुझान आ गया सर, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, 4 रुझान आ गए हैं, चारों के चारों 5 बोलते बोलते देखिए रुझान बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ रहे हैं। एक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ, तो वही गुजरात में आपने देखा 5। दरअसल पोस्टल बैलेट्स खुल रहे हैं और पोस्टल बैलेट्स में हमेशा एज माना जाता है। विनोद जी, वो अभी भी सिंगल डिजिट में ही दे रहे हैं, बावजूद इसके कि हम लोगों ने जो दिया है उसमें अपर एज 9-15 हमने आम आदमी पार्टी को दिया अपने एग्जिट पोल के अनुमान में। लेकिन ये देखिए 2 सीटें अब आ गई हैं, 2 सीटों पर रुझान ये साफ संकेत देते हुए कि हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।